चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक एमपीएस सर्किटल लॉ कल तक का सारा नोट्स कंप्लीट है चलिए एमपीएस सर्किटल लॉ में पहले जो बेसिक पढ़ा है गॉस लॉ गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन याद है सबको बिल्कुल उसी पर बेस्ड है एमपीएस सर्किटल लॉ ये कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और टोटल करेंट और वहां पर क्या था बिल्कुल वैसे ही याद भी हो जाएगा एक्सप्रेशन को याद रखो गॉस लॉ में ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वन बाई या सिंपली क्यू बाई एफसेल नॉट लिखते थे इसको लिखते थे वन बाई एफसेलेन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज अब इसी को आप रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से डीएस को रिप्लेस कर दो एलिमेंट्री लेंथ बायस लॉ वन बाई एफसेल एन नॉट कॉन्स्टेंट होता था वन बाई फोर पाइप सेन नॉट यहां कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट नुमरेटर में तो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट इसलिए ये क्या गया इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉरी बी होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल करेंट प्रोड्यूसेस दिस फील्ड करेंट सोर्स उसी के कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्लियर और हमने बायोट सेविट लॉ में क्या पढ़ा एक करेंट कैरिंग कंडक्टर तो एलिमेंट्री लेंथ तो यहां पर एलिमेंट्री लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ एन इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन या पॉइंट फंक्शन लाइन इंटीग्रल का मतलब बता रखा है कि एन इंटीग्रेशन ऑफ ए पॉइंट फंक्शन अलोंग द कर्व। इसका मतलब यहां पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट यही आपका एमपीएस सर्किटल लॉ है इसका मतलब यहां पे सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री लेंथ में जो करंट का फ्लो है और वहां पर क्या था चार्ज के कारण से जो सरफेस क्रिएट होता था तो गॉस सिरम ये क्या कहता था कि एक चार्ज को हम इनक्लोज कर देते थे और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता था सेम होता था यहां पर करेंट कैरिंग कंडक्टर है इसको हम इनक्लोज कर देंगे इसका मतलब करेंट एक थ्रेड से पास करेगा एक लूप से पास करेगा और वही लूप ये बन गया अब इस लूप पर क्या होगा यहां पर क्या लेते थे आप सरफेस एरिया यहां क्या लेंगे एलिमेंट्री लेंथ डीएल इस सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता था कांस्टेंट यहां पर इस एलिमेंट्री लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट होगा वहां ईडीएस के बीच में रिलेशनशिप और यहां पर बी डीएल के बीच में रिलेशनशिप आ गया समझ में यही एमपीएस सर्किट अलाओ है अब इसके पूरे लॉ को हम लोग डेराइव करेंगे तो यही कहता है द लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल फॉर ए क्लोज कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट थ्रेडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ठीक अब यही एक्सप्रेशन आ गया बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट क्लियर इसका मतलब सिंपली बायोट सेवट तो, सॉरी एमपीएस सर्किट लॉज यदि आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल इतना स्टेटमेंट लिखना है कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल फॉर ए क्लोज कर्व की जगह पर सिंपली लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू तो म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट थ्रेडिंग द लूप बस थ्रेडिंग द लूप इतना ही स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए और मैथमेटिकली बी डॉट डी एल इज टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट क्लियर है यहां तक अब यहां पर यही है एक करेंट कैरिंग कंडक्टर तो करेंट सोर्स हो गया वहां पर क्या था गॉस थ्योरम में चार्ज सोर्स था तो चार्ज को हम लोग इनक्लोज कर देते तो करेंट को थ्रेड कर देंगे थ्रेड टर्म क्यों आता है हम लोग धागे को इंग्लिश में थ्रेड कह देते क्यों एक निडल्स के अंदर से वो पास कर जाता है निडल का शेप कैसा है एक लूप की तरह है इसलिए वो थ्रेड कहलाता है। थ्रेडिंग द लूप बिल्कुल वो निडल के होल को समझो और वही यहां पर ये लूप बना करंट का डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये बन गया मैग्नेटिक लाइंस जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है। अब इस लूप पर हम लोग क्या कर लेंगे एक एलिमेंट्री लेंथ डीएल लेंगे और उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्निट्यूड सेम होगा और फिर बी डॉट डीएल के बीच में रिलेशनशिप लिख करके और म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट को प्रूफ करेंगे रिपीट कर रहे हैं हमने कहा कि सिंपली एक करेंट कैरिंग कंडक्टर तो ये करेंट का फ्लो हुआ इस करेंट को हम थ्रेड कर दे कर दिया थ्रेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हमारा ये हो गया हम यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ डीएल ले लेंगे अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है टेंजेंशियल टू द लूप क्या डायरेक्शन है टेंजेंशियल टू द लूप इसका मतलब बी का डायरेक्शन इधर बी और डीएल के बीच में रिलेशनशिप तो यहां पर एक्सप्रेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे बी डॉट डीएल और फिर देख लेंगे कि ये टेंजेंशियल है और डीएल भी टेंजेंशियल है इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा जीरो डिग्री इसी को हम लोग यूज करेंगे ठीक और ये जो लूप बना इस लूप को जैसे वहां पर क्लोज चार्ज को जब क्लोज करते थे तो नाम था गॉसियन सरफेस क्या था एनी हाइपोथेटिकल सरफेस विच इनक्लोजेज द गिवेन चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो एम्पीरियन लूप क्या हो गया हाइपोथेटिकल लूप जो गिवेन करेंट या जो सोर्स है उसको इंक्लोज कर रहा है क्लियर चलिए तो इसका नाम क्या हो गया एम्पीरियन लूप अब आ जाए हम लोग इसका प्रूफ तो सबसे पहले यही हमने करेंट ले लिया डॉट दिखा इसका मतलब करेंट आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा आउटवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बना एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज है फिर हमने क्या कर लिया यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ लिया डीएल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया टेंजेंशियल टू द लूप और उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम ठीक अब हम लोग बी डॉट डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को यूज करेंगे तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस बी डॉट डीएल ये यूज करेंगे ध्यान से इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया जीरो तो बी डी एल कॉस जीरो डिग्री क्लियर हंड्रेड परसेंट बी डी एल अब इस करेंट कैरिंग ये जो करेंट का डायरेक्शन है कैसा है भाई आउटवर्ड तो राइट हैंड थंब रूल से हम आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस आर इसी को हम P पॉइंट मान ठीक तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू इंफानेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर 2i आई बाई आर हो जाएगा क्लियर ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूज कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना गया मी नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर इंटू डीएल ठीक म्यू नॉड बाई फोर पाई टू आई बाई आर और ये डीएल डीएल का मतलब सरकम जो थ्रेड हो रहा है लूप बन रहा है उस लूप का टोटल लेंथ कितना उस लूप का टोटल लेंथ कितना सरकम तो टू पाई आर 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 कैंसिल हो गया और ये फोर पाई से कैंसिल क्या गया रिजल्ट मी नॉट टाइम्स द टोटल करेंट आ गया समझ में क्लियर अब यहां पर ये तो हमने डेराइव कर दिया ठीक है यही है मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइस एक्सप्रेशन देख लीजिए बी डॉल बी डॉट डीएल तो बी डी कॉस जीरो डिग्री बी डीएल और टू पाईआर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सबसे चूट कर दिया मे नॉट टाइम्स द टोटल करेंट ठीक अब मान लो बातचीत नहीं करो बिल्कुल नहीं अब यहां पर ध्यान से यदि लूप सर्कुलर नहीं हो तब क्या हो क्या लिखा इफ द पाथ इज नॉट सर्कुलर तब क्या करेंगे देन वी डिवाइड पाथ इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ठीक अब ये लूप नॉट सर्कुलर तो एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया ये छोटे छोटे पार्ट मिलके पूरे लूप को फॉर्म कर दिया इस छोटे से पार्ट का एलिमेंट्री लेंथ कितना ले लिया डीएल एंगल कितना बना डी थीटा मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू द लूप क्लियर करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज़ अब ये जो लूप फॉर्म किया है ये लूप का एलिमेंट्री लेंथ डीएल एंगल डी थीटा और इसका रेडियस आर है तो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस इसका मतलब डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा क्लियर okay. अब हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका लिखेंगे बी डॉट डीएल बी और डीएल डायरेक्टेड किधर होगा डायरेक्शन इसका अरे ये टेंजेंशियल तो बी डीएल कॉस जीरो डिग्री हो गया का वैल्यू इस पॉइंट पर कितना होगा अभी बता, बताया इंफाइनेटली स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लग गया इनटू डीएल म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर डीएल हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई डी एल एलिमेंट्री लेंथ को क्या लिखेंगे आर डी थीटा आर आर कैंसिल हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा रुक जाओ देव बताएगा बहुत सीरियस है आजकल क्लास में बहुत टाइम पर भी आता पंक्चुअल स्कूटी से आता है इसको बोलने दो ये वैल्यू इसको बोलने दो जल्दी बताओ हम्म थी, थीटा हो जाएगा ना डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा थीटा होगा चलो ठीक है मान लिया इस पूरे थीटा का वैल्यू कितना आएगा तुमने कहा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा गया बिल्कुल सही चलो मान ली उस थीटा का वैल्यू कितना होगा अब है कैसे कब बताए थे हम तो नहीं बताए सब चीज तो हम पढ़ाए नहीं कभी आर्यन कैसे हो गया तुम लोग जो नीचे साइकिल स्टैंड के पास इतनी बातें बनाते रहते हो तुम लोग ने फीमेल को भी मात दे दिया है इतने गॉसिप्स करते हो लेकिन कोई फायदा नहीं अरे सिंपल है ये पूरा जब सेंटर पर एंगल बनेगा बाय द सर्कुलर लूप और एनी लूप वो हमेशा टू पाई होगा प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू टू पाई होता है ये सप्लीमेंट्री यूनिट एलेवेंथ में पहला पढ़ा है नहीं तो अलेवेंथ में एडमिशन करा लो फिर से बोर्ड एग्जाम कुंभ का मेला नहीं हर साल होता है हर साल दे सकते हो आप तो ये टू पाई टू पाई इंटू टू फोर पाई से कैंसिल हो गया फाइनली कितना आ गया मॉट टाइम्स करेंट ये तो हम जानते थे सीधे बोलो ना सर ये जितना आप पढ़ाते सब हमको पता है हम सिर्फ आपको खुश करने आते हैं ये भी तो कह सकते हैं कि आप खुश रहिए इसलिए हम आते हैं ये तो हमको सबसे पता है, जब हम जैसे अभिमन्यु को सब कुछ जानकारी थी वैसे ही है। हमको भी पूर, पूरी जानकारी है हो गया तो देख लेते एक्सप्रेशन हमारा यही है देख लो बी डॉ डीएल बिल्कुल वैसे ट्रीटमेंट किया बी डी एल कॉस जीरो डिग्री बी डीएल डीएल का वैल्यू आर डी थीटा हो गया आर कैंसिल हो गया डी थीटा डी थीटा का मैक्सिमम वैल्यू टू पाई और ये फाइनली म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट गया समझ में क्लियर तो ये बायोट सेवेट लॉ अब सॉरी एमपीएस सर्किटर लॉ बायोवेट लॉ हमेशा जीवन से निकल जाता है अब यहां पर ऐसा लूप दे रखा है डॉट रिप्रेजेंट कर रहा साइन कन्वेंशन में देखिएगा ध्यान से करेंट इनवर्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा साइन कन्वेंशन इनवर्ड के लिए नेगेटिव जो कि आउट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में और इनटू द पेज है और जब वो आउटवर्ड करंट होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर इसका मतलब साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव इनवर्ड क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा माइनस के कैप आउटवर्ड डॉट को रिप्रेजेंट करेगा के कैप ठीक इसका मतलब यहां पर एक एक स्टेप आ जाए आई वन डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव देख लो ध्यान से आई टू क्रॉस है इनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव आई थ्री डॉट है आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव I4 फोर क्रॉस है इनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव I5 फाइव आउटवर्ड पॉजिटिव ठीक अब कहता टोटल करेंट क्रॉसिंग द अब एरिया टोटल करेंट जोड़ के बताओ सिंपल देखो कितना करेंट आ रहा है सिंपल करंट का टोटल क्या वैल्यू आएगा विथ साइन कन्वेंशन कौन बताएगा चलो राम गणेश बताएगा इस इस राम गणेश के अकॉर्डिंग कह रहा है आई वन हा उसके बाद प्लस आई थ्री कह रहा है माइनस आई टू कह रहा है बस और ट्रक नहीं अच्छा कार भी नहीं अच्छा क्यों आई फोर और आई फाइव क्यों नहीं दिया एक मिनट हाँ देव बताओ तुम तो। आई फोर और आई फाइव इसने क्यों नहीं कंसिडर किया गुड लूप के आउटसाइड है इसलिए टोटल करंट इतना ही होगा चल तो थे कौन बच्चे वाला सवाल आप पूछते रहते हैं थोड़ा तो टेढ़ा सवाल पूछिए तो बिल्कुल सही है आई वन प्लस आई थ्री माइनस आई टू और यही साइन कन्वेंशन यहां पर फिर से रिपीट कर रहे हैं लिखा एनी करेंट आउट साइड द एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेट करेंट इसका मतलब आई फोर और आई फाइव नहीं लेना है आउटवर्ड के लिए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव और इनवर्ड के लिए साइन कन्वेंशन नेगेटिव आ गया समझ में अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडिकल बातचीत नहीं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडिकल वार निकालेंगे अब सिलेंडिकल शेप ऐसा होगा ध्यान दो ठीक ये सॉलिड सिलेंडर का फिगर है ये फिगर हॉलो सिलेंडर थिन है इसलिए जो उसका रेडियस है इसके रेडियस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे ठीक अब यहां पर ऐसा भी कंडीशन आएगा कि रेडियस को यदि आप नेग्लेक्ट ना करें इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई जिसको हम थिक हॉलो सिलेंडर कहेंगे तीन केसेस है सिलेंडर के एक सॉलिड एक थिन हॉलो थिन में उसके रेडियस को नेग्लेक्ट कर देंगे और थिक हॉलो में इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई ठीक अब इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालने जा रहे हैं तो सिलेंडर के आउटसाइड निकाल रहे हैं तो तीनों केसेस में तीनों केसेस में सिलेंडर के आउटसाइड निकालने जा रहे हैं देखिए क्या फॉर्मूला यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड हम आउटसाइड निकाल रहे हैं तो ये हमारा सिलेंडर है इस सिलेंडर में करंट का फ्लो है ठीक इसमें करंट आई का फ्लो है हम आउटसाइड निकाल रहे हैं तो आउटसाइड निकालने के लिए हम सबसे पहले इस करंट को थ्रेड करेंगे मतलब एक लूप को फॉर्म करेंगे जो एंपीरियन लूप होगा एनी हाइपोथेटिकल लूप विच इनक्लोजेस द गिवेंट करेंट इस करेंट को हम इनक्लोज कर देंगे और इसका डिस्टेंस यहां से या इसका रेडियस आर ले लेंगे मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक ठीक अब यहां पर मैग्नेटिक फ़ील्ड टेंजेंशियल टू द लूप मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू द लूप सेवेट लॉ फॉर्मूला सॉरी एमपीएस सर्किट बार बार निकलता सेवेट लॉ बेसिक वही है तो एमपीएस सर्किट ए लॉ बी डॉट डीएल बी डीएल सेम डायरेक्शन क्या बन गया ये बी डीएल कॉ जीरो डिग्री हो गया चलो बी डीएल डीएल कौन सा एम्पीरियन लूप का टोटल लेंथ एम्पीरियन लूप का टोटल लेंथ टू पाईआर बन गया बी डॉट डीएल का वैल्यू एमपीएस सर्किट लॉ क्या कहता बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या बना बी इन टू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या बन गया म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई आर दो लो यस yes, नो no. इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउट साइड के लिए इनवर्स रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ द एंपीरियन लूप या जो आउटसाइड पॉइंट ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वो इनवर्सली रिलेटेड है आ गया समझ में यही एक्सप्रेशन हम लोगों ने आउटसाइड के लिए निकाला बी डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट टू पाईआर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आउटसाइड के लिए म्यूनॉट आई बाई टू पाईआर क्लियर आगे बढ़े ठीक और यही सरफेस पर भी हो जाएगा यदि सरफेस पर निकालोगे तो तो सरफेस पर कैसे जल्दी बताओ बिल्कुल वैसे सिलेंडर का सरफेस बना लिया सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर सबके केस पे कर रहे हैं इन ऑल केसेस करंट ये आई का फ्लो टेक सरफेस पर हम एम्पीरियन लूप को ड्रॉ कर दें एम्पीरियन लूप को ड्रॉ कर दिया बी का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन टेंजेंशियली। ये डिस्टेंस कितना है भाई कैपिटल आर टेक फॉर्मूला यूज कर लिया बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट बी डीएल कॉस जीरो डिग्री बी बाहर कर दिया इसका डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ गया टू पाई आर म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट बी इज इक्वल टू क्या बन गया म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई आर सरफेस पर इतना आ गया क्लियर अब हम लोग इन फाइंड करेंगे इनसाइड साइड द हॉल सिलेंडर ठीक अब सिलेंडर के अंदर कितना हो गया भाई जीरो क्यों हुआ है अरे करंट इसके अंदर कितना है नेट करंट जीरो इसलिए इनसाइड साइड ऑलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड जीरो ठीक अब थिक हॉलो सिलेंडर के अंदर जीरो है लेकिन ये जो इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई के बीच में जो पॉइंट होगा वहां नॉन जीरो होगा ठीक अब यही कंडीशन हम लोग ले रहे हैं इन साइड द सॉलिड सिलेंडर वहां थिक के लिए निकाल दिया थिन के लिए निकाल दिया सबका कंडीशन अब आगे सॉलिड सिलेंडर तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर अब इस पॉइंट के लिए ध्यान दो इसके अंदर यह लूप बना दिया हमने जिसका रेडियस आर लिया करंट टोटल आई का फ्लो क्या इसमें भी आई का फ्लो होगा नहीं होगा डिफरेंट होगा रिपीट कर रहा है ये जैसे मान लो एक सॉलिड सिलेंडर है इसमें टोटल करेंट आई का फ्लो है लेकिन इसके किसी पर्टिकुलर लेयर पे करेंट डिफरेंट होगा इसको हम लोग आई डैश मान रहे हैं। इसका रेडियस आर है ये रेडियस कैपिटल आर है अब इस करेंट का वैल्यू कितना होगा आई डैश इज इक्वल टू टोटल करेंट अपॉन टोटल एरिया एरिया कितना पाई आर स्क्वायर इन टू एरिया ऑफ दिस पोर्सन पाई आर स्क्वायर हो गया पाई पाई कैंसिल हो गया क्या बना आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बन गया अब हम लोग एमपीएस सर्किटर लॉ यूज कर ले मी नॉट टाइम्स द टोटल करेंट कितना लूप करेंट को इंक्लोज कर रहा आई डैश बी डॉट डीएल बिल्कुल अब डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे सरकम ऑफ एम्पीरियन लूप तो एम्पीरियन लूप टू पाई आर हो गया मी नॉट आई डैस का वैल्यू डाल दो आई आर स्क्वार हो गया क्लियर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जल्दी से बता दो म्यू नॉट बाई टू पाई आई आर बाई आर स्क्वा हो गया इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लो या वो पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके डायरेक्टली रिलेटेड है आ गया समझ पे क्लियर चलिए अब हम लोग मैथमेटिकली अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लें करेंट डेंसिटी के टर्म में बनाया आपको आइडिया हमको रिजल्ट से मतलब है डैश ऐसे बना लीजिए मी नॉट डैश और ये रिजल्ट वही है आ गया समझ में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी टेक्स्ट बुक में भी सोल्ड एग्जाम पर अब वहां पर एक चीज ऐड कर दिया वहां कह दिया कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला इनसाइड और आउटसाइड उसके बीच ग्राफिकल रिलेशन क्या है हम लोगों ने आउटसाइड के लिए क्या था वन बाई आर और इनसाइड के लिए क्या है आर से डायरेक्टली हमने मान लिया ये आर इज इक्वल टू आर सरफेस पे ठीक मैग्नेटिक फील्ड ये बन गया इनसाइड और ये पोजीशन क्या बन गया आउटसाइड आउटसाइड इनवर्स रिलेटेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इनसाइड डायरेक्टली रिलेटेड स्ट्रेट लाइन इसलिए ऐसा ग्राफ बन जाएगा आगे समझ में क्लियर एक क्लास और लगेगा ये एमपीएस सर्किट अलाव खत्म हो जाए इसके एप्लीकेशन है चलिए तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे